पढ़ाई ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत डिफरेंट होता है। जैसे कि अभी बोर्ड एग्जाम है, अभी फर्स्ट पेपर हमारा इंग्लिश का था, तो हमने जैसा भी देखा भाई बहुत अच्छा गया हमारा, वैसे पेपर ईजी आया था, लेकिन कुछ कुछ था जो बहुत ज़्यादा हार्ड भी था, बहुत ज़्यादा सही भी था, तो हमें बहुत मज़ा आया पेपर अब, और हमारे गैप भी बहुत अच्छे दिए इस बार पेपर में। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेकेंडरी स्तर की परीक्षाएं प्रारंभ। बोर्ड सचिव मेघना चौधरी ने सावित्री स्कूल परीक्षा केंद्र का किया निरीक्षण। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी स्तर की परीक्षाएं गुरुवार से प्रारंभ हो गई। परीक्षाएं सुबह 9 बजे से 12:45 बजे तक आयोजित की गई। प्रदेश में कुल 10,93,088 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। वहीं प्रवेशिका परीक्षा के लिए 7,229 परीक्षार्थियों को पंजीकृत किया गया है और 1,539 विशेष योग्यजन परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं। प्रदेश में 6,068 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सेकेंडरी की परीक्षाएं 26 अप्रैल को संपन्न होंगी। पहले दिन अंग्रेजी का पेपर देकर लौटे परीक्षार्थियों ने बताया कि पेपर काफ़ी सरल था और उन्हें हल करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। आज मतलब कोरोना के टाइम जो जिसके बाद ये बोर्ड एग्ज़ाम है ना, मतलब थोड़ा नर्वस फील भी हो रहा था कि कैसा पेपर आने वाला है, बिकॉज़ जो पढ़ाई ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत डिफरेंट होता है। जैसे कि अभी बोर्ड एग्ज़ाम है, अभी फर्स्ट पेपर हमारा इंग्लिश का था, तो हमने जैसा भी देखा भाई बहुत अच्छा गया हमारा, वैसे पेपर ईजी आया था, लेकिन कुछ कुछ था जो बहुत ज़्यादा हार्ड भी था, बहुत ज़्यादा सही भी था, तो हमें बहुत मज़ा आया पेपर अब, और हमारे गैप भी बहुत अच्छे दिए इस बार पेपर में, सो थैंक यू सो मच। क्या उम्मीद है आपको, क्या कैसा क्या रिजल्ट रहेगा मेरा? मतलब रिजल्ट तो मेरा तो अच्छा जाने वाला है, बाकी और बच्चों का मतलब ठीक है, बस जो पेपर के अकॉर्डिंग है ना वो सब बच्चे कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई किस तरीके से हुई थी, कैसा क्या रिजल्ट मिला? ऑनलाइन पेपर हुआ था बट उसमें इतना मज़ा नहीं आया था, बिकॉज जो ऑनलाइन ऑफलाइन होता है, एक टीचर बोर्ड पे समझाता है और एक जो मोबाइल में समझ में आता है, वो कुछ समझ में नहीं आता, इस वजह से ऑफलाइन पढ़ाई ज़्यादा अच्छी लगती है। टेंथ इंग्लिश का पेपर था आज, अच्छा पेपर था, इजी पेपर था। क्या किया आपने आज? अच्छा हुआ पेपर इजी था, जो भी बुक से थे सारे क्वेश्चन और डेस्क वर्क से थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। उम्मीद है आपका रिजल्ट कैसा जाएगा? रिजल्ट अच्छा ही जाएगा, 98% से ऊपर। बात बताओ ऑनलाइन पढ़ाई कैसी हुई थी आपकी? ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी हुई थी, समझ में सारा आ गया था ऑनलाइन पढ़ाई में। एक सेकेंड, हाँ बताओ भैया, काई का एग्जाम दिया क्या? किस तरह के थे क्वेश्चन? सही थे, क्वेश्चन एक नंबर थे। क्या उम्मीद है? पास हो गए। अच्छा, कौन सी क्लास है? आज 10th क्लास का पेपर था और इंग्लिश का पेपर था। किस तरह से पेपर आया? पेपर आज बहुत अच्छा आया, मतलब बहुत इजी था, पहले मतलब हार्ड आते थे लेकिन इस बार इजी पेपर आया। क्वेश्चन है ना बिल्कुल बुक्स के पूछे गए और है ना बुक्स के बाहर से कुछ भी नहीं आया और बहुत इजी पेपर था। कितने क्वेश्चन थे? क्वेश्चन 23 थे। 2 साल पेपर हो रहे हैं आपके, किस तरह से पढ़ाई करी है आप लोगों ने? पढ़ाई तो स्कूल में हुई, जितनी मतलब कोर्स फास्ट कंप्लीट कराया और है ना बहुत अच्छा पेपर, मतलब जितना कराया उतना कराए और है ना जितना कोर्स था उससे ऊपर कुछ भी नहीं आया। कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी। ऑनलाइन पढ़ाई? ऑनलाइन पढ़ाई हुई हमारी, बहुत मतलब सही समझ में आ गई थी और है ना जैसे मैम टीचर समझाती थी, क्विज करे, क्विज के आंसर दिए, उसमें से क्वेश्चन आए। वहीं सावित्री स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करने बोर्ड सचिव मेघना चौधरी भी पहुंची। उन्होंने बताया कि सभी व्यवस्थाएं माकूल हैं और सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा की व्यवस्था संतोषजनक दिखाई दी है। शिक्षा विभाग की ओर से 135 उड़नदस्ते और बोर्ड के स्तर पर 58 विशेष उड़नदस्ते तैनात किए गए हैं, जिनमें 2 महिला उड़नदस्ते भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सभी केंद्र अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा केंद्र पर किसी भी परीक्षार्थी अथवा परीक्षा कार्य से जुड़े वीक्षक, अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक, माइक्रो ऑब्जर्वर, पेपर कोऑर्डिनेटर और शाला प्रधान या कार्मिक के पास कोई मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मौजूद नहीं रहेगा। परीक्षा के दौरान किसी भी समस्या के निस्तारण के लिए बोर्ड कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहाँ परीक्षार्थी परीक्षा से संबंधित अपनी कोई भी शिकायत या समस्या दर्ज करा सकते हैं। हमारे
हमारी सेकेंडरी की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई है। फर्स्ट पेपर इंग्लिश का है। 11 लाख बच्चे ऑल ओवर राजस्थान बैठ रहे हैं और मैं अभी सावित्री गर्ल्स कॉलेज को स्कूल को हम लोग यहाँ चेक करने के लिए आए हैं। आप प्रिंसिपल मैडम हैं और सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हैं।